हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं स्टील बर्ड का SBA-1 स्टील बर्ड एयर इसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। और अगर आप मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो और आपका बजट 4 या 5 हज़ार हेलमेट लेने का नहीं है, आप सोच रहे हो कि आपको 1500-1600 के रेंज में कोई अच्छा हेलमेट मिल जाए जिससे आप राइड कर पाओ, एटलीस्ट आप 300-500 किलोमीटर की राइड कर पाओ और अपना एक्शन कैम भी इजिली माउंट कर पाओ, तो ये हेलमेट मुझे लगा कि आपके लिए अच्छा हो सकता है। और काफ़ी अच्छा हेलमेट है, स्टील बर्ड का हेलमेट है, इंडियन ब्रांड है, तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अपन रिव्यू करेंगे। ओके, तो ये है इसका हेलमेट, देख सकते हो आप। ये इसमें आपको ये नाइट विजन के लिए वाइजर है, इसमें आपको ट्रांसपेरेंट वाइजर भी मिल सकता है। तो मान लो अगर वाइजर इंस्टॉल करना है तो आप खुद से भी कर सकते हो। तो आप एक काम करना, जब इसको खरीदना तो 2 वाइजर खरीद लेना अगर आपका बजट हो तो। उससे होगा ये कि जब आप अगर मान लो नाइट पे राइड करोगे तो आप प्लेन वाला वाइजर लगा सकते हो, बाकी डे टाइम में आप ये यूज़ कर सकते हो। और इसमें आपको प्लेन वाइजर वाला भी ऑप्शन मिलता है, आप केवल प्लेन वाइजर ही खरीद सकते हो। और देखो, वाइजर को रिलीज करना बहुत ईजी है, आपको डायरेक्ट इसको खींचना पड़ेगा बस। और अगर बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब जो इसकी बिल्ड क्वालिटी, जो मटेरियल है अच्छी क्वालिटी का। हाँ, बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो 5-6 हज़ार की रेंज के बहुत हाई क्वालिटी हेलमेट होते हैं, उतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 2000 की रेंज में तो काफ़ी अच्छा है। और हाँ, यहाँ पे आप देखो, एयर वेंटिलेशन का स्लॉट है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और ये यहाँ पे ओपन और क्लोज करने वाला एयर वेंटिलेशन स्लॉट है। तो अगर आप गर्मी में राइड कर रहे हो या तो फिर आपको वेंटिलेशन भी अच्छा मिलता रहेगा। और पीछे आपको एयर बाहर निकलने का भी स्लॉट है, ये देखो आप, ठीक। और ये ग्राफिक्स वाला हेलमेट है, इसमें आपको बहुत सारे ग्राफिक्स मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हो। तो आप अपनी बाइक के अकॉर्डिंग कोई सा भी ग्राफिक पिक कर सकते हो। इसमें आपको मतलब बोल सकते हो कि बहुत सारे ग्राफिक्स हैं, जो आपको कलर चाहिए, जो आपको ग्राफिक पैटर्न चाहिए, और कुछ इसमें आपको स्पेशल एडिशन भी मिल जाते हैं। तो और आप बताओ कि इसका ग्राफिक कैसा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी कूल लग रहा है। और आप ये देखो, फ्रंट में आपको ये स्टील बर्ड एयर की ब्रांडिंग मिल जाती है, और ऐसे ही पीछे आपको देखो स्टील बर्ड एयर की ब्रांडिंग मिल जाती है, और ये नीचे आपको ISI सर्टिफिकेशन की मार्किंग मिल जाती है। अब बात करें इसके इंटीरियर कुशनिंग की, तो ये है इसका इंटीरियर कुशनिंग, आप देख सकते हो ये है इसके इंटीरियर कुशंस। तो इसके मैं पैडिंग की बात करूँ तो पैडिंग ठीक है, मतलब बहुत हाई क्वालिटी तो नहीं है, क्योंकि भैया देखो 2000 के अंदर का है हेलमेट है, 2000 के रेंज में अच्छी पैडिंग है, बहुत हाई पैडिंग तो नहीं है आप देख सकते हो जैसे, लेकिन ठीक है, आपको दिक्कत नहीं करेगा। अगर आप शॉर्ट राइड करते हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं करेगा। इसमें आपको हाइजीनिक पैडिंग मिलती है। मैं काम करूंगा, जो भी इसके आर्टिकल है, जो भी इसका पैराग्राफ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो कि इसके क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। और ये है इसकी देखो स्ट्रिप, एडजस्टेबल स्ट्रिप, तो स्ट्रिप की भी क्वालिटी देखो काफ़ी अच्छी है, इजीली आप इसको रिलीज़ कर सकते हो, रिलीज़ करना ईजी है। तो देखो, पैडिंग भी ठीक ठाक है, अच्छी है, बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन अच्छी है ना। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और जो मटेरियल है वो भी काफ़ी अच्छा है, और आपको लुक भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, और यहाँ पे आप इजीली अपना एक्शन कैम भी माउंट कर पाओगे, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। प्राइस भी सही है, आपको 1500-1600 की रेंज में मिलता है, तो इस रेंज में आपको अच्छा हेलमेट है ये। तो गाइस, बस छोटा सा ही रिव्यू था, आपको ये हेलमेट बताना था कैसा है। तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हो, और इसको खरीदने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।